मतलब गांव के किसी शादी में गई थी तो वहाँ और बताओ हे भगवान ऐसे ऐसे जो होते हैं ना गांव में करते हैं ना वो वाला वो डायलॉग बोल रही थी और इतने बारात में आई और देखो उसको शर्म ना आई ऐसे ऐसे दोस्तों इस ड्रेस में कोई ख़राबी नहीं है ना, नहीं है ना, ऊपर से नीचे तक ढके हुए हैं, देखो बाजू भी इतनी लंबी लंबी है, कोई इसमें ख़राबी नहीं है, पर ये है कि पहनते हो अच्छी भी लगती है। मज़ा आ गया मज़ा आ गया इसको मज़ा आ गया। तो इसमें कोई ख़राबी नहीं है, ऊपर से नीचे तक देखो बिल्कुल ढका हुआ है, लेकिन मैं किसी शादी में इसे डाल के गई थी और वहाँ पर जाके मतलब गाँव की किसी शादी में गई थी तो वहाँ उन लोगों ने मतलब पता नहीं अच्छी लगी या बुरी लगी तो उन्होंने जाकर पूरे मोहल्ला मचा दिया, हल्ला मचा दिया था कि वो क्या कहते कैसी ड्रेस पहन के आई हुई थी और बताओ हे भगवान ऐसे ऐसे जो होते हैं ना गांव में करते हैं ना वो वाला वो डायलॉग बोल रही थी। अच्छा ये पहन के आई थी बताओ उसको इतनी बारात में आई और देखो उसको शर्म ना आई ऐसे ऐसे जो लोग बोलते ना वैसे। लेकिन आप मुझे बताइए इसमें कोई ख़राबी है? बिल्कुल बिल्कुल ढका हुआ बिल्कुल है, मतलब लोगों को इतनी परेशानी है मतलब कपड़ों में हाथ नज़र आ रहे बस वो कुछ ऐसा कुछ है नहीं को भाई देखने में एकदम गंदा सा लगे ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी लोगों को परेशानी इतनी ज़्यादा होती है। तो उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि जीवन है जी लो मज़ा ले लो ज़िंदगी का, ठीक है ना, ऐसे ही जैसे आए थे ना वैसे ही चले जाएंगे। ज़िंदगी में खूबसूरत और अच्छे कपड़े डालने चाहिए क्योंकि तुम सुंदर हो तो तुम पे सारी चीज़ें अच्छी अच्छी लगेगी। तो मैं तो डाल लेती हूँ चाहे कोई कुछ भी कहे पर अच्छे लगते तभी तो मैं ये पहन लेती हूँ। हाँ आप लोगों को कैसी लगी मेरी ड्रेस ये मुझे ज़रूर बता देना। और इस ड्रेस में मैं देखो काम नहीं कर पाऊँगी क्योंकि इसको मैं चेंज करने के बाद ही मतलब काम होगा घर का। और एक चीज़ और बता दूँ क्योंकि आज है ना बहुत लेट हो चुकी हूँ मैं, लेट इसलिए हो गई क्योंकि आज है ना गर्मी हो गई आप लोगों को पता ही है, तो एसी की सर्विस करवाई थी तो उसके बाद आपको पता है एसी की सर्विस करवाने के बाद कितनी गंदगी फैल जाती है, ऐड वगैरह में दिखाते हैं कि गंदगी नहीं फैलती लेकिन फैल जाती है। वो सारी किचन मतलब वो सफाई की है, उसके बाद मैं नहा के आई हूँ, नहा के ये ड्रेस मैंने पहनी है, ठीक है ना। तो अगर ये ड्रेस अच्छी लगी तो अच्छे अच्छे ना बहुत अच्छे अच्छे ना कमेंट लिख के भेजो इस ड्रेस में मैं अच्छी लगती हूँ। और मैं तो आप लोगों को वो भी इतना बढ़िया आइडिया दे रही हूँ यार, मस्ती में अपना पूरा टाइम बिता दूँ, कुछ नहीं रखा है इधर उधर के करने से, क्योंकि इधर उधर के करने से ना सिर्फ टेंशन के सिवा कुछ नहीं होता है। और मैं फालतू टेंशन लेती नहीं हूँ। और मैंने की थी ये साफ़ किया आज पूरे रूम की मैंने सफाई की क्योंकि एसी सर्विस हुआ था और एक एसी अभी रह रहा सर्विस के, जिस दिन उसकी सर्विस होगी उस दिन भी इतने हंगामा में तो होगा, ठीक है इतनी सफाई करनी पड़ेगी। तो दोस्तों बस ये कहती रहती हूँ आगे चैलेंज के लिए बोलती रहती हूँ और चैलेंज तो बस यही होता मेरा, लेकिन आप जितने भी मेरे फ्रेंड्स लोग हैं जितने भी मेरे दोस्त हैं और जो भी मुझे अच्छा मानते हैं अच्छा बातें या कोई भी चीज़ अच्छी लगती है ठीक है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ठीक है लेके आऊँगी एक अच्छा सा एक ब्लॉग और लेके आऊँगी और अच्छी सी ड्रेस पहन के फिर आऊँगी आप लोगों के सामने। और आप ऐसे भर भर के प्यार देते रहिए और बाय, बोर नहीं करूँगी बिल्कुल भी क्योंकि बोर किया था फिर वो बेकार ही है, तो बोर नहीं कर रही बिल्कुल। लेकिन जो मैंने ड्रेस के बारे में बताया है कि लोग क्या क्या कह रहे हैं ऐसी ड्रेसों के बारे में, जब सोच समझ का मैं उन लोगों की जो एक गृहिणी जो होती है जिसके बच्चे हो जाते हैं उसके बाद अगर वो इस प्रकार की ड्रेसें पहनती हैं तो मेरे ख्याल से उन लोगों की सोच थोड़ा ज़्यादा ही घटिया हो जाती है। अरे क्या हुआ बच्चे हो गए क्या हो गया अपना जीना छोड़ दे, आप मुझे बताइए कि जीना छोड़ दे नहीं ना, तो अपना भी मन है यार, हम टाइम के हिसाब से ब्याह शादी कर ली है बच्चे हो गए हैं अब बच्चे भी
भाई बच्चे हो जाते उसके बाद ये थोड़ी कि जीना हम छोड़ देंगे, नहीं छोड़ सकते। तो ये आइडिया मैं क्यों बता रही मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा दबे रहते हैं ना, तो उनके लिए थोड़ी सी ये बात उनको भी समझ में आ जाए, जो अपना जीवन जी सकते, क्योंकि मैं ऐसे काफ़ी काफ़ी लोगों को जानती हूँ, ठीक है, जो ये चीज़ें बोलते हैं। जो मैंने शादी का बताया वो तो है ही, ठीक है। और मैं जब ये पहन के गई थी ड्रेस, उसके बाद मैंने इसके ऊपर कोट भी डाला हुआ था, जब भी लोगों को इतनी दिक्कत आई थी बहुत ज़्यादा, लेकिन वही बात है, मुंह पे कोई नहीं कहता, पीठ पीछे हर कोई कह देता है, ठीक है। पीठ पीछे कहने से मैं उनको कुछ नहीं मानती हूँ, सामने कहे तो वो इंसान होता है, ठीक है। तो चलो आगे लेके आऊँगी खूबसूरत ड्रेस, और कई बार विदा ले लेती हूँ, लेकिन मन होता है कि आप लोगों से बात करती रहूँ करती रहूँ करती रहूँ, तो ठीक है फिर लेके आऊँगी ये खूबसूरत और अच्छी सी ड्रेस के साथ। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, ठीक है। तो बाय, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए अपना, और मेरी वीडियो ऐसे देखते रहें, और बहुत ज़्यादा भर भर के प्यार दें मुझे भी, ताकि मैं भी आप लोगों से मिल सकूं, ठीक है। तो बाय दोस्तों, ध्यान रखें, बाय। 2-3 बार बाय कर चुकी हूँ इसके लिए, सॉरी।